तो मैंने बिछा दिया है, कुछ यहाँ रख दिया है और बाकी मेरे को 4 पेयर मिल गए थे है जो बचे हुए अभी स्टॉक में है। 10 पेयर्स जो उन्होंने ऑर्डर किया है और रिसीव किया है आज ढेर सारे पार्सल जो मैं। इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ से देखिए साइड में कुछ ऐसा पानी पुनी भी गिर जाता है या कुछ भी गिरेगा नीचे आपके गद्दे को खराब नहीं करेगा। तो इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि आजकल मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो ये शैम्पू और कंडीशनर फेस मास्क 5 ये वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाहर अभी कुछ ऐसे है, धूप खिली हुई है और अभी अंदर रूम में तो काफ़ी ठंड लग रही है पर धूप खिली हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्सल डिलीवरी करने के लिए। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, आज सॉक्स डिलीवरी करना है तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल जो सॉक्स के पैकेट्स है ऐसे रखे हैं। टोटल मुझे भिजवाना है 2 जगह, एक को 10 पीस और एक को 2 पीस। तो मैं आपको बताती हूँ, खोल के बाद दिखा देती हूँ कौन कौन सा जा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट करके रखा है मार्क करके। टोटल 10 जुराबे और मुझे ना छाटने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने कुछ तो अलग करके रख दिया। मुझे 4 पेयर्स तो मिल गए और मिल नहीं रहा तो मैंने सोचा कि ऐसे बिछा बिछा के अच्छे से देखती हूँ, चेक करती हूँ कौन से वाले हैं। तो मैंने बिछा दिया है और एक मिल गया मुझे, ये वाला है उनका डिज़ाइन। एक दसवां और लास्ट ये हो गया अलग। 10 पेयर्स से मैंने वो अलग करके रख दिया है, मुझे मिल गए। मैं आपको डिज़ाइन भी दिखा दूंगी, बाकी उसके अलावा जो बचा हुआ स्टॉक है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। बट इसके अलावा तो ये जो 10 पेयर्स है ये जा रहा है चंडीगढ़, और इसके अलावा जो सेकंड है 2 पेयर वाले जो है वो जा रहा है यहीं पे किन्नौर में ही, मेरे रिलेटिव है उन्होंने ही लिया है और वो हर साल लेते हैं मेरे से 2 या 3 पेयर सॉक्स। तो मैं उन्होंने कहा है कि मैं खुद सिलेक्ट करूं और पसंद करके भेजूं, तो इनमें से मैं सिलेक्ट करूंगी फिर भेजूंगी। तो एक मुझे जो है अच्छा लगा ये वाला, ये की ब्लैक में मुझे जो अच्छा लगा, साइज भी थोड़ा बड़ा है इसका। एक ये और एक मैं सिलेक्ट कर रही हूं इन दोनों में से एक, तो मुझे लगता है ये वाला जो है साइज ये वाला थोड़ा बड़ा है इसका साइज, तो लार्ज साइज में ये वाला करती हूँ। तो ये दोनों अलग करके रख दिया है। तो ये है जो बचे हुए अभी स्टॉक में, 7 पेयर्स है। पास से दिखा देती हूँ आपको डिज़ाइन और ये वाला भी। और अगर आप में से ऑर्डर करना चाहें तो फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड स्टॉक ही बचा है अभी। तो इनको मैंने तय करके रख दिया, पैक करके रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सेफ रहे इस पैकेट में। तो ये है 10 पेयर्स जो उन्होंने ऑर्डर किया है और वो हर साल ऑर्डर करते हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने 6-7 पेयर्स ऑर्डर किया था और इस साल भी उन्होंने 10 पेयर्स ऑर्डर किया है। मैं पास से दिखाती हूँ डिज़ाइंस। मैंने पार्सल रेडी कर दिया है ले जाने के लिए और साथ में मैंने ये जो रखा है, मैंने जैसे बताया था यहीं पे किन्नौर में जाएगा, इसको मैं ऐसे ही पैक करके रख दूँगी और ये जो है मैं डिलीवरी करूँगी 2-3 दिन के अंदर, या कोई आएगा उनके साथ भिजवा दूँगी या बाय हैंड पहुंचा दूंगी मैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो इसको भी पैक करके रख देती हूँ। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ एक पैकेट। तो ये वाला भी हो गया है पैक, इसको उठा के रख देती हूँ अलमीरा में फिलहाल के लिए, यहाँ पे रख देते। तो चलते हैं। पार्सल की डिलीवरी करके मैं आ गई हूँ वापस घर और मैंने रिसीव किया है आज ढेर सारे पार्सल जो मैंने ऑर्डर किए थे। वैसे कुछ पहले भी आए थे तो
वो वाले मैंने शायद आपको दिखा दिया था, कोई ये आए थे मेरे से नायका से, बाकी ये वाले मीशो से है। तो मैं आपको एक एक करके खोलती हूँ और बताती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले ओपन करूँगी मीशो वाला पार्सल। पहले मैंने ऑर्डर किया था एक ये होल्डर रिमोट रखने के लिए, तो क्वालिटी जो है वो इतनी सही नहीं है। ओके ओके ठीक है, टाइम पास के लिए। और इसका जो बाकी जो भी मैं सामान मंगवाया उसका मैं लिंक फोटोज़ जो है मैं वीडियो के साइड में मेंशन कर दूंगी कि क्या प्राइस है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा ये है फ्रिज का कवर। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से देखिए साइड में कुछ ऐसा मॉडल बना हुआ है, और यहाँ पे आप कुछ सामान रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो इसको मैं लगा के आपको दिखा दूँगी। और तीसरे नंबर पे है ये मैंने मंगवाया है अपने गद्दे के लिए कवर। और ये जो कवर है ये वाटरप्रूफ है, मतलब इसमें पानी जो गिरेगा, कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ पानी गिर जाता है या कुछ भी हो, वो नीचे गद्दे में नहीं लगेगा। ये जो तीन पार्सल है इसको मैं आपको अपने अपने जगह पे रख के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं जो हमारा रिमोट होल्डर है उसको रख के दिखाती हूँ कहाँ क्या यहाँ रखा। इसको रखूँगी मैं यहाँ, जैसे यहाँ कहीं पर भी ये रहेगा यहाँ पे ऐसे। तो दूसरा रिमोट मैंने यहाँ रखा है। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रिमोट है बच्चों के पास होता है, कई आरे पर मिलता नहीं है, तो ये ठीक है एक जगह पे आपका फिक्स हो जाएगा रख के। यहाँ पे इनको या तो ये कलर करना चाहिए था, तो कुछ ऐसा है। चलो काम चलाने के लिए ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पे ये जो है कवर, इसको हम देखते हैं रख के कैसा लग रहा है। तो ये रहा हमारा फ्रिज, और अभी तो बहुत सारा सामान रख दिया है, तो कुछ ऐसा है ये। ये मैंने लगा दिया है फ्रिज का जो कवर था, तो कुछ ऐसा लग रहा है ठीक है। अब अच्छा लग रहा है और क्वालिटी जो है वो अच्छी आई है। तीसरे नंबर पे है हमारा ये कवर जो मुझे लगाना पड़ेगा गद्दे पे, उसके बाहर से फिर चादर लगाना पड़ेगा। क्वालिटी जो है वो अच्छी लग रही है, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि साइड में ऐसा रहेगा, तो इसको भी इंस्टॉल करके देखते हैं। ये मैंने बिछा दिया है, और बस बेस्ट पार्ट जो था इसमें इलास्टिक है, इसलिए सही से लग गया है। मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स के उसमें भी देखा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर पानी गिरा के, पानी मतलब लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अभी हिम्मत नहीं है इतनी, तो मुझे नहीं लगता कि होगा। बाकी ये उनके लिए बहुत बेस्ट है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, मुझे तो सही लगा कवर इसलिए मैंने मंगवा लिया, क्योंकि कई बार पानी पुनी भी गिर जाता है या कुछ भी गिरेगा नीचे आपके गद्दे को ख़राब नहीं करेगा, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि कुछ सालों में ही गद्दे खराब होने लग जाते हैं, इसलिए मैंने बड़ी सोच समझ के ये ऑर्डर किया था। तो अब मैंने लगा के कर दिया, बेडिंग हमारी हो गई तैयार। तो ये थे हमारे मीशो वाले ऑर्डर्स। तो नेक्स्ट जो है हमारा नायका से मैंने कुछ ऑर्डर किया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल लगा था, तो ये आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। पहले ये सारा उठा लेती हूँ, तो इसमें फिट कर लिया मैंने, ये हो गया। अब इसके अनबॉक्सिंग करेंगे हम। तो कुछ ऐसे इस तरीके से फाड़ दिया मैंने, चेक करते हैं कि क्या क्या ऑर्डर में आया हुआ है। तो इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी रहती है, ये कुछ ऐसे पैक करके देखते हैं।
चार, वो मैं आपको एक करके ओपन करके दिखाती हूँ। और मुझे लगता है इसमें मुझे ना कुछ गिफ्ट भी मिला था। तो सबसे पहले है ये बॉडी वॉश चेरी का, नेक्स्ट है आजकल मैं जो है कंडीशनर और शैम्पू जो है इनका यूज़ कर रही हूँ, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट, तो इनका काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं एक साल से ये वाले यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इससे पहले भी मैंने नायका से ही ऑर्डर किया था। और ये वाला है इनका कंडीशनर और ये शैम्पू था लेवेंडर वाला है। और इसके अलावा और मैंने ऑर्डर किए थे ये दो लिपस्टिक, तो इसके कुछ ऐसे शेड थे, मैं दिखाती हूँ करके। तो यहाँ पे घर पे थोड़ा सा काम भी चला हुआ था, थोड़ा बीच में से आवाज़ें आ रही है, तो मुझे बीच बीच में रुक के शूट करना पड़ रहा है, तो अभी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी शूट कर लेती हूँ। तो ये था सामान, ये लिया था एक बॉडी वॉश, और मैंने जैसे कि बताया कि आजकल मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो ये शैम्पू और कंडीशनर, और ये थे दो लिपस्टिक, और ये था एक फेस पिंकली मास्क, फेस मास्क टाइप कुछ, और कुछ मैंने मंगवाए थे ये नहीं ऑर्डर किया है फेस मास्क पांच, ये वाले हैं राइस वाले हैं, और ये है हनी एंड लेवेंडर वाला, ये है चारकोल वाला, और ये है ब्लैक मिंट वाला। और इसके अलावा जैसे ये दिखा था आपको बोले, और ये शेड्स में देखती हूँ, अभी चेक करती हूँ। पिंकले मास्क दो शेड है लिपस्टिक के जो मैंने ऑर्डर किया, और मैंने बहुत कम कंजूसी से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आज का जो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।